नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में। यहाँ पर हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा हमारी कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 में भरत और राम का प्रेम के कुछ पद तथा गीतावली के कुछ पद दिए गए हैं, उनकी हम व्याख्या सहित अनुवाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ तथा इनका देहांत 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो एटा को भी मानते हैं, हालांकि इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों के मतभेद अलग अलग है। तुलसीदास का बचपन बताते हैं कि बहुत ही घोर संकटों में बीता था। बालपन में ही इनके जो माता पिता थे, इन्हें छोड़कर चले गए थे तथा ये भिक्षा मांगकर और अपना जीवन यापन करते थे। कहा जाता है कि गुरु नरहरिदास की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास जी हैं। रत्नावली से इनका विवाह होना तथा उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास जी का ग्रह त्याग करने की जो कथा है वह प्रसिद्ध है। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा है। बाद में वे काशी में रहने लगे थे तथा यहीं उनका निधन हुआ। तो रामचरितमानस की जो रचना कहाँ से प्रारंभ हुई? अयोध्या से, तथा उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा गया। इसके पश्चात तुलसीदास जी जो हैं वो लोक मंगल की साधना के कवि माने जाते हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है, यानी कि जो तुलसीदास जी की रचनाओं में लोक मंगल की भावना है तथा उनमें समन्वय जो देखने को मिलता है वह अन्य कवियों में बहुत कम देखने को मिलता है। तुलसीदास जी का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही व्यापक है, क्योंकि रामचरितमानस में जहाँ एक तरफ सामाजिक परिवेश को भी दिखाया गया है, सांस्कृतिक परिवेश को भी दिखाया गया और धार्मिक परिवेश को भी दिखाया गया है, वह किसी और रचना में मिलना मुश्किल है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान करने की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली और गीतावली में व्यक्त कर लिया। जहाँ पर राम जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और जिन प्रसंगों को वो वहाँ पर अभिव्यक्त न कर सके, उन्हीं प्रसंगों को उन्होंने कवितावली और गीतावली के माध्यम से व्यक्त कर दिया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं, जो कि राम से विनय और आत्मनिवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस है, यह हिंदी जगत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया और इसमें मुख्यतः किन छंदों का उपयोग, किन छंदों में इसकी रचना हुई? तो ये दोहा और चौपाई छेली छंद में इनकी रचना हुई और इसकी भाषा अवधि है। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं।
तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन, कवितावली कवित्त और सेवैया में छंद में उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को यहाँ पर प्रमाणिक माना है, जिनमें से दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये इनकी ब्रज भाषा में लिखी रचनाएं हैं, तथा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला छू, बेरवे रामायण और रामचरित मानस इनकी अवधी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी की का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियां प्रमाणिक मानी जाती हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, परंतु रामचरित मानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति का आधार है, जो कि रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया है, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, गीतावली भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है, चौपाई छंद क्या होता है और दोहा छंद क्या होता है। तो चौपाई छंद वह छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तथा अंत में लघु गुरु नहीं होता है, जबकि दोहा छंद विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। विषम चरणों में लघु गुरु नहीं होता है, जबकि सम चरणों में लघु गुरु होता है। इन छंदों में राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि तुलसीदास जी के जो राम और भरत का प्रेम है, उस पद में किस भरत की किस मनोदशा का वर्णन है। तो राम के वन गमन के समय, राम के जब वन जाने पर जो भरत दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, उस दशा का उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव रखते हैं। वे बचपन से ही भरत को खेल में हमेशा सहयोग देते थे और उनका मन कभी भी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में यानी कि यहाँ पर माता के रूप में केकई के रूप में उन्होंने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। तो यहाँ पर राम और भरत का प्रेम के कुछ पद दिए गए हैं, तो चलिए इसका पाठ कर लेते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ढाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे, कहत मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो में कहा, मैं जानऊ निज नाथ सुभाउ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, मो पर कृपा स्नेहू बेसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी, शिशुपन ते परी हरेव न संगु, कबहू न कीनी मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। ये जो 6 पद दिए गए हैं ये चौपाई कहलाते हैं और अंत के जो 2 पद हैं ये दोहा कहलाएंगे। महु स्नेह संकोच सब सनमुख, कहीं न बेन दर्शन त्रपित, न आजु लगी प्रेम प्रिया से नैन। यानी कि इस पद की व्याख्या में भरत जी कहते हैं, जब भरत जी राम से मिलते हैं वन में, तब भरत जी कहते हैं अपने पुलकित अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और वहाँ पर जब खड़े होते हैं तो भरत जी अपने शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए हैं। उनके नयनों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई है। वे कहने लगे हैं कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही पूरा कर दिया है, अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता था वो सब तो मुनिनाथ ने ही कह दिया है, इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी
का स्वभाव भली भांति जानता हूँ। यहाँ पर नाथ के श्री राम के लिए आया है कि मैं अपने स्वामी यानी कि भगवान राम को मैं अच्छे उनके स्वभाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और विशेष प्रेम ही है। मैंने खेल में भी कभी उन्हें गुस्सा करते हुए या क्रोध करते हुए या प्रसन्न होते हुए कभी नहीं देखा है। मैंने बचपन से ही उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा है, नहीं दुखाया है। मेरे प्रभु राम की कृपा को मन से अच्छी तरह से जानता हूँ। वे खेल में भी मेरे हारने पर मुझे जिता ही देते थे। आगे भरत जी कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच के वशीभूत होकर कभी कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे ने हम मेरे जो दोनों नेत्र हैं वो हमेशा से ही श्री राम प्रभु के दर्शन के लिए प्यासे रहते हैं। आज उनके दर्शन हुए हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जन्मों जन्मों तक इनके दर्शनों के लिए प्यास थी और यही अभिलाषा हमारे नेत्रों में हमेशा से ही बनी रहेगी। दूसरा पद है, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहउ कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई को कोवद बाली सुचाली, मुक्ता प्रसव की सम्बुक काली। सपने हूँ दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदिति अव गाहू। बिनु समझे निज अध्य परिकाऊ, जारिउ जाए जननी कहीं काकू। हृदय हैरी हारेउ सब ओरा, एक ही भाति भले ही भल मोरा। गुर गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही निक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहू सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानही मुनि रघुराव। यहाँ पर भरत जी भावों में विहिल होकर कहते हैं कि यह सब जितना भी किया गया है यह सब मेरे विधाता ने मेरे भाग्य में ही ऐसा लिख दिया था, क्योंकि विधाता को मेरे राम के प्रति जो मेरा स्नेह है वह सहन नहीं हुआ और उन्होंने मेरी माता कैकेयी के बहाना का बहाना बनाकर इस षड्यंत्र को रचकर मुझे और मेरे राम को अलग कर दिया है। मुझे यह कहते हुए आज अच्छा नहीं लगता या शोभा नहीं देता कि कौन साधु है और कौन पवित्र हैं। इसका निर्णय तो दूसरे लोग ही करते हैं। माता नीच है और मैं साधु और सदाचारी, यह विचार मेरे हृदय को में लाना ही करोड़ों दुष्चारों को के समान है। आगे भरत जी कहते हैं कि क्या कोवद अर्थात एक जंगली घास होती है, घास जो होती है क्या वो कोई अच्छा धान पैदा कर सकती है? क्या काले गोंगे जो होते हैं, एक छोटा जीव होता है, क्या वो उत्तम कोटि का मोती हमें उत्पन्न कर सकता है? अर्थात नहीं, मैं स्वयं भी किसी को तनिक दोष नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दुर्भाग्य के कारण ही यह सब हुआ है। मैंने अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही मैंने अपनी माता को कटु वचन कह दिए हैं। आशय यह है कि यह सब घटना भरत में यहाँ पर भरत जितनी भी घटना हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य को ही दोषी मानते हैं। आगे दोहे में भरत जी कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में अच्छी तरह से विचार कर लिया है और सब तरह से हार गया हूँ और अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक प्रकार से मेरा भला हो सकता है, वह यह कि गुरु वशिष्ठ सर्वसमर्थ हैं और सीता और राम मेरे स्वामी हैं। इसी कारण मुझे अच्छे परिणाम की आशा है। तीसरा पद है, भूपति मरण प्रेम पाई
पनुराखी जननी कुमति जगतु सब सबुक साखी, देखि न जाहि बिकल मति महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो मुनि समुझी सब सबहि सब सूला, सुनि बन गवनु किनि रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय माथा, बिन पानहिन पया देही पाए, संकरू साखी रहूं एही गाय, बहुरी निहारी निषाद स्नेहू, कुलिश कठिन उर भय न बेहू, अब सब सबू आखिन देऊ आई, जियत जीव जड़ सब सहाय, जिन्ही निरखी मग सापिनी बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी, तेई रघुनंदन लखन सिय अनगिनित लागे जाही, तासु तनय तजी दुसस दुख देऊ सहावै काहें। यानी कि यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि राजा के की मृत्यु के पश्चात, यानी कि मेरे पिताश्री के मृत्यु के पश्चात, उनके प्रेम और प्रणय की मैंने लाज रख ली है। माता की कुबुद्धि तो पूरा संसार ही साक्षी है। यानी कि जो तरह से मेरी माता ने अपनी कुबुद्धि के कारण राम को वनगमन की आज्ञा दी थी, वह पूरा संसार देख चुका है। किंतु मेरी अन्य माताएं जो बहुत व्याकुल है, उसकी दशा मुझे नहीं देखी जाती है। नगर के समस्त नर नारी जो हैं अत्यधिक दुख में हैं। आगे भरत जी कहते हैं, मैं ही इन सभी अनर्थों का मूल हूँ। मैं सब मेरी ही वजह से ये सारी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई हैं। मैं अब इस अपने दुखों को देखकर यह कहना चाहता हूँ कि श्री राम लक्ष्मण जी और सीता के साथ मुनि वेश धारण कर वन चले गए, और वे बिना जूते और चप्पलों के नंगे पैर ही वन को प्रस्थान कर गए हैं। उनके इस दुख को देखकर मैं घायल की तरह छटपटा गया। इस बात के स्वयं शंकर जी साक्षी हैं। भरत जी कहते हैं कि यह सब सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, क्योंकि यहाँ पर भरत जी अपने श्री राम से अत्यधिक स्नेह करते थे, और इस वजह से उन्हें जब वनगमन की सूचना मिली तो वो बहुत ही अधिक व्याकुल हो गए थे। फिर निषाद राज के प्रेम को देखकर मेरा वज्र के समान हृदय, कठोर हृदय क्यों नहीं फट गया? यहाँ आकर सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी मुझे आपको यह सब सहन करना पड़ा। जिन प्रभु श्री राम को देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना जहर और भयंकर क्रोध को छोड़ देते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु सम दिखाई दिए, ऐसी माता कैकेयी के पुत्र अर्थात मुझे छोड़कर किसे विधाता को इतना दुख सहन करने को दिया होगा? अर्थात ऐसा सुख दुख किसी को भी नहीं दिया होगा। यहाँ पर इस पद में भरत के जो प्रायश्चित हैं उसका वर्णन है। दोहा चौपाई में ये छंद है तथा अवधी भाषा है इसकी। अब कुछ पद हैं जो गीतावली से लिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जननी निरखती बाल दू धनुहिया, बार बार उर ने नहीं लावती, प्रभुजू की ललित पनहिया, कबहू प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय बचन सांवरे, उठहतु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सका सब द्वारे, कबहू कहती यों बड़ी बार भई, जाहू भूप पह भैया, बंधु बोली जेई जो भावे, गई निछावर मैया, कबहू समझी राम गवन राम को, रही चकी चित्र लेखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति सिखी सी। यहाँ पर इस पद में माता कौशल्या
के जो दुख हैं उसका वर्णन किया गया है कि जब भगवान राम वनगमन की ओर चले जाते हैं तो वो अपने राम को याद करते हुए कभी कभी उनके छोटे जो धनुष हैं उनको निहारती हैं और कभी कभी उनकी जो छोटी छोटी जूतियां हैं उनको देखती हैं। तो इस पद को हम व्याख्या देखते हैं कि इस पद में तुलसी ने राम गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की मार्मिक वेदना को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि माता कौशल्या राम के बचपन के धनुषों और बाणों को देखती है, भगवान राम की सुंदर सुंदर जूतियों को बार बार अपने नेत्रों और हृदय से लगाती है। कभी तो माता पहले की तरह प्रातः काल में प्रिय वचन बोलकर श्री राम को जगाने उनके भवन में पहुंचकर उन्हें जगाती है कि हे पुत्र तुम उठो, तुम्हारे मुख सौंदर्य पर तुम्हारी माता बलिहारी हैं, तुम्हारे सभी मित्र और छोटे भाई तुम्हारे लिए दरवाजे पर खड़े हैं। और कभी कहती हैं, भैया बहुत देर हो गई है, तुम महाराज के पास जाओ, सभी भाइयों को बुलाकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुम भोजन करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर न्योछावर है। कभी राम के वनगमन के बाद की बात को याद करके वह एक चित्रलेखी सी यानी कि चकित सी खड़ी रह जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या के इस तरह से खड़ी रहने पर समय ऐसा लग रहा है जैसे वह प्रीति भी उनके सीखी सिखाई सी जान पड़ती है। राघो एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बोली के आपने बहुरू बनही सिधाओ, जे पई पाई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, क्यों जीव ही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, भरत सो गुनी सार करत हैं अति प्रिय जानी तिहारे, जपती दिन ही दिन होत जावरे मनहु कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलही बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहीन ते इन्हीं इन्हीं को बड़ो अंदेशो। यहाँ पर माता कौशल्या राम को बुलाने के लिए तरह तरह के उपक्रम कर रही हैं। कभी वह कहती है कि तुम्हारे जो घोड़े हैं वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं तो इसीलिए तुम राम उन्हें देखने के लिए ही तुम एक बार इनको देखने के लिए तुम आओ। तो यहाँ पर माता कौशल्या वन की ओर जाने वाले राहगीर को भी कहती हैं कि तुम मेरे राम तक मेरा यह संदेशा पहुँचा दो कि तुम्हारी माता और तुम्हारे जो घोड़े हैं वो तुम्हें 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 याद कर रहे हैं, बार बार तुम्हें तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहते हैं और बार बार पुचकारने पर वह सहलाकर दुलार करना वो चाहते हैं कि तुम आकर उन्हें दुलार करो। वैसे तो भरत जो है वो इनकी सेवा कर ही रहे हैं और किंतु तुम फिर भी एक बार इन्हें आकर देख लो। तो इस पद के माध्यम से कौशल्या जो है अपने पुत्र को राम को बुलाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है। कभी वह पति को जो पथिक हैं राहगीर जो हैं उन्हें कह रही हैं कि तुम अगर आपको राम मिले तो अपनी माँ का यह संदेशा उस राम उन राम तक पहुँचाना कि तुम्हें याद अपनी माता और तुम्हें तुम्हारे घोड़े जो हैं तुम्हें बहुत ही याद कर रहे हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं इस इन पदों के जो कठिन शब्दार्थ हैं उन्हें। तो ढाढ़े का अर्थ होता है खड़े होना, कोह का अर्थ होता है क्रोध गुस्सा, मिस बहाना या माध्यम, बिसेखी विशेष खास, खुनिस क्रोध अप्रसन्नता, सूची पवित्र और शुद्ध, कोवद का अर्थ होता है एक जंगली कंदमूल यानी मोटे चावल की एक किस्म जो कि जंगल में उत्पन्न होती है, सुसाली यानी धान, मुक्ता मोती, सबुक यानी कि गोंगा एक छोटा जीव होता है, उदित
उदधि यानी कि सागर, अद्य पाप, निक सही ठीक, सतिभाव शुद्ध भाव से, साखी साक्षी, पया देही पैदल नंगे पांव, कुलिस कुलिश वज्र, बेहू भेदन, बिच्छी बिच्छू एक जहरीला जीव, तनय पुत्र, धनुहिया बाल धनुष यानी कि छोटे छोटे धनुष, पनहिया छोटी छोटी जूतियां, बार यानी कि देरी, जेई जीमना भोजन करना, सांवरे सवारे यानी कि सवेरे प्रातः काल, चित्रलेखी सी चित्र के समान, एक जैसे खड़े हो जाना, सीखी सीखी गई, बाजी घोड़ा, पोखी सहलाना प्यार करना प्यार से हाथ फेरना, निपट बिल्कुल, सार यानी कि देखभाल करना ध्यान रखना, झांवरे कुंभ लाना मलिन हो जाना, अंदेशो अंदेशा यानी कि चिंता। तो आज हमने तुलसीदास जी की गीतावली और भरत और राम प्रेम का जो पद दिए गए थे उनकी व्याख्या की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक भी भेजिए ताकि वो और आप इनका लाभ ले सके। धन्यवाद।